तो हे PokeVex, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज के पूरे दिन में तो मैं टॉपिक के बारे में सोच रहा था, तो यार सोचते सोचते मेरे ख्यालों में ये आया कि मैंने अब तक मेरी सीरीज़ यानी टॉप 5 ऐश की सीरीज़ आगे उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करें, मतलब जो रुकाई गई थी। तो उसके लिए आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है टॉप 5 ग्राउंड टाइप पोकेमॉन ऑफ ऐश। तो यार तो एक चीज़ मैं फिर से मतलब कंफर्म तुम लोगों को बता देता हूँ कि ऐश ने अब तक के सारे जर्नी में कितने ग्राउंड टाइप्स पकड़े, अलोला को इंक्लूड नहीं। तो ऐश ने अब तक टोटल 6 ग्राउंड टाइप्स पकड़े और तुम्हें पता है हमें 5 तो निकालने हैं। तो यार किसी एक को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी इस लिस्ट में से। तो यार जो पोकेमोन मतलब ग्राउंड टाइप इस लिस्ट में नहीं बैठ पाया वो है पैल्पिटोड। तो यार यूनोवा में बहुत सारे पोकेमोन पकड़े थे तो पैल्पिटोड को भी पकड़ा था। तो यार ये वाटर एंड ग्राउंड टाइप है तो इसे ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं मिली, तो इसलिए मैंने इसको लिस्ट में नहीं रखा। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जाके लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकन को दबाओ ताकि मेरे लेटेस्ट से लेटेस्ट कम पोस्ट तुम लोग को पता चले। और आज के वीडियो का लाइक एम रखते हैं 200 लाइक्स का। तो चलो आज के टॉपिक को स्टार्ट करो। तो पोके फ्रेंड्स, जो पोकेमॉन नंबर 5 पे आता है यानी 5वें पोजीशन पे आता है तो वो और कोई नहीं बल्कि हमारा गिबल है। तो यार अभी आधे से ज़्यादा पब्लिक बोल रही होगी गिबल एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है, बट नहीं, वो ड्यूअल टाइप पोकेमॉन है, ड्रैगन प्लस ग्राउंड टाइप है। और गिबल बहुत ही ताकतवर पोकेमॉन है ऐश का, भले उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग नहीं मिली है। तो यहाँ पे है गिबल का पोकेडेक्स एंट्री, तो यहाँ पे देख सकते हो टाइपिंग में ड्रैगन प्लस ग्राउंड टाइप है। और गिबल गार्डसॉर्म तक इवॉल्व हो सकता था बट वो नहीं हुआ, ऐश ने इवॉल्व नहीं किया। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैंने ध्यान में रखा और मैंने गिबल को सोचा नंबर 5 पे। तो पोके फ्रेंड्स, जो पोकेमॉन नंबर 4 की पोजीशन पे आता है यानी ग्राउंड टाइप, वो है हमारा ग्लाइस्कोर। दोस्तों ग्लाइस्कोर एक ग्राउंड प्लस फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, तुम्हें लगेगा एक डार्क टाइप पोकेमॉन है बट नहीं। और ऐश ने इसे पकड़ा था एज अ ग्लाइगर और फिर बाद में जाके इसको इवोल्यूशनरी स्टोन देखे इसने इसे इवॉल्व कर दिया था। वो जब वो ब्रिज से गिर रहे थे तब मतलब ग्लाइगर ने प्रूव कर दिया कि वो इवॉल्व होने लायक है, तो उसे उसने स्टोन दे दिया। तो अब इसकी बेस स्टैट्स देख लेते हैं। इसके बेस स्टैट्स ओवरऑल बहुत अच्छे हैं, जो है 505, जो इसे बहुत ताकतवर और अमेजिंग बना देते हैं। हालांकि ये ग्लाइगर है यानी ग्लाइडिंग पोकेमॉन है, यानी ये डायरेक्टली उड़ नहीं सकता, तो इसे थोड़ी सी हवा की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो हमारा ग्लाइस्कोर है इसे नंबर 4 की पोजीशन दी है। तो पोके फ्रेंड्स, जो पोकेमॉन अगला नंबर 3 के पोजीशन पे आने वाला जो ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है ऐश का, वो है डॉनफैन। दोस्तों डॉनफैन एक बहुत ही ताकतवर पोकेमॉन है, इसलिए तो नंबर 3 की पोजीशन पे है। और दोस्तों डॉनफैन ऐश को मिला था पैम्पी के तरफ पे, और पैम्पी मिला था एक अंडे से। जी हाँ, तो जोटो रीजन में एक रेस थी, तो उस रेस के एंड के बाद जो एग कीपर एग प्लांट करते हैं मतलब एग्स की इंक्यूबेट करते हैं, तो उन्होंने ऐश को ये अंडा दे दिया था जो पैम्पी का था, जो बाद में कुछ एपिसोड्स के बाद मतलब हैच होके पैम्पी में बन गया। और पैम्पी विकसित तो हो गया था मतलब अराउंड शिनो रीजन में, यानी जब ऐश ने शिनो रीजन में पैम्पी को वापस बुलाया था और वो लड़ रहा था टीम रॉकेट के रोबोट्स के साथ, तब वो जाके विकसित हो गया डॉनफैन में। और डॉनफैन ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था शिनो लीग में भी, और उसे बहुत ही अच्छे से विक्ट्री भी करवा दी थी एक, आई थिंक सो, अभी मेरे को ज़्यादा तो याद नहीं आ रहा है। और डॉनफैन मतलब बहुत ही ताकतवर पोकेमॉन है और मेरा भी फेवरेट है, तो यार इसी वजह से मैंने इसको नंबर 3 की पोजीशन दी। सो पोके फ्रेंड्स, जो पोकेमॉन अगला नंबर 2 पे आता है, तो यार सॉरी ये 2 बहुत बड़ा हो गया, तो वो एक स्टार्टर पोकेमॉन है ऐश का और वो है टॉर्टेरा। तो यार अगर तुम लोग को नहीं पता होगा तो टॉर्टेरा ग्रास प्लस ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है। जी हाँ, और टॉर्टेरा ऐश को शिनो रीजन में मिला था एज ए स्टार्टर, उसने वाइल्ड में पकड़ा था, और ये बहुत ही ताकतवर पोकेमॉन है उसका ग्रास टाइप्स में। और उसकी जो इवोल्यूशनरी लाइन है वो कुछ ऐसी है टर्टविक तो ग्रोटल और टॉर्टेरा। तो ऐश ने टर्टविक से पकड़ा था, फिर ग्रोटल में इवोल्व हुआ, फिर टॉर्टेरा में हुआ। तो यार इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
और टॉटेरा मेरा भी एक बेस्ट फेवरेट है राष्ट्रीय में से, तो यार इसीलिए मैंने टॉटेरा को इस लिस्ट में रखा है। और टॉटेरा तो भाई मेरा फेवरेट शिनो का स्टार्टर है, इन्फर्नेस के बाद टॉटेरा है, मतलब इन्फर्नेस से पहले टॉटेरा है। तो यार इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने टॉटेरा को इस लिस्ट में नंबर 2 की पोजीशन दी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे लिस्ट के सबसे नंबर 1 पोकेमोन की तरफ। जी हाँ, नंबर 1 ग्राउंड टाइप पोकेमोन ऑफ एश। तो यार इस पोकेमोन को गेस करने के लिए मैं तुम लोग को थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, तो गेस कर लो 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। तो वो है क्रोकोडाइल। तो यार क्रोकोडाइल इस लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि यार ये मेरा बेस्ट एवर फेवरेट उसके यूनोवा टीम में से ये फेवरेट पोकेमोन है मेरा। और इसको उसने पकड़ा था सैंडाइल से, और फिर सैंडाइल से वो विकसित होते गया क्रोकोडाइल तक। और दोस्तों इसने आयरिस के ड्रैगनाइट तक को भी हरा दिया है एक बैटल में। तो यार सोचो ये कितना पावरफुल होगा, यानी इसने एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन को बैटल में हरा दिया। और ये बेसिकली बहुत फेवरेट पोकेमोन है मेरा, मतलब क्रोकोडाइल अमेजिंग। तो मैं गेम से भी जिधर सैंडाइल दिखता है मैं उसको पकड़ लेता हूँ। तो जो नंबर 1 पोकेमोन है उसे तो भाई होना ही चाहिए क्रोकोडाइल। तो अगर प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत है तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मतलब तुम लोग ऐसे वॉइस में बता नहीं सकते, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक से किया होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्रोकोडाइल को नंबर 1 पे रखा है। और दोस्तों अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स तुम लोग को मिलते रहे। और आज का लाइक है मैं 200 लाइक्स का, मुझे पता है तुम लोग कर दोगे। और ऐसी अनोखे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं।